सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आपको मैं बास्केटबॉल की टीम दूंगा सेटलर हुस्टन वर्सेस डलास विंग्स के बीच जो मैच उसकी टीम दूंगा। टीम स्मॉल लीग के लिए होगी और ये टीम फाइनल नहीं होगी। फाइनल टीम आपको लाइनअप आने के बाद दूंगा, क्योंकि लाइनअप आने के बाद सारे खेल रहा है, कौन एज सब्जेक्ट खेलेगा, कौन इंजर्ड है, तो फिर सारी न्यूज मिल जाती है। तो इसलिए प्लीज़ जाकर ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, वहाँ मैं फाइनल टीम दे दूँगा और सारी न्यूज भी दे दूँगा। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर लिंक काम ना करे फैंटेसी स्पोर्ट्स चैनल डायरेक्ट सर्च करना मिल जाएगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स चैनल नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है दोस्तों। ये जो टीम दूंगा आप ये माई फेव 11 में लगा सकते हो। अगर माई फेव में खेलते हो तो वहाँ कंपटीशन कम होता है बास्केटबॉल की तुलना में कंपटीशन। चलिए टीम के बारे में बात कर लेते हैं। और ज्वाइन नहीं कर कोई फ़ायदा होगा नहीं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रहे तो कोई वीडियो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये डेमो टीम होगी। ये टीम फिलहाल मैं स्मॉल लीग के लिए दे रहा हूँ, हेड टू हेड लीग के लिए, 3 मेंबर लीग के लिए और 4 मेंबर और 10 मेंबर जिसमें 5 विनर होते हैं, ये सब लीग में लगा सकते हो। फिलहाल आप ये देख सकते हो मैंने पॉइंट्स गार्ड में डायल की ओर से ओगे को पिक किया और एस बॉट को पिक किया हूँ यहाँ से, तो क्रेडिट की प्रॉब्लम आएगी लेकिन मैनेज हो जा रहा है। बैलेंस टीम बनाए हैं दोस्तों, आप देख सकते हो ये दोनों स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जे कनाडा भी खेलेंगे, इनको भी ये भी स्टार्ट करेंगे, इनको भी पिक करना चाहिए कर सकते हैं लेकिन थोड़ा क्रेडिट मैनेज करना पड़ेगा, इनकी क्रेडिट हाई है। हैरिस को आप जो एज ए सब्जेक्ट खेल सकते हैं, इनको एज ये भी ग्रेनियम ट्राई कर सकते हो, एज ए सब्जेक्ट खेल सकते हैं। शूटिंग गार्ड में जे लोवाइट को पिक किया हूँ, ए ग्रे को भी, दोनों ये भी खेलेंगे, दोनों स्टार्ट करेंगे। और एम मराबे को ये एज ए सब्जेक्ट खेलेंगे, इन ये कम क्रेडिट मिल गया था इसलिए इनको पिक कर लिया हूँ। स्मॉल फॉरवर्ड में मैं पिक कर रहा हूँ, ये सब की रेट काफ़ी हाई है, नहीं पिक कर पा रहा हूँ लेकिन आप मैनेज करके पिक करना से कर सकते हो। क्लार्क को पिक कर सकते हो लेकिन रेट काफ़ी हाई है दोस्तों, नहीं पिक कर पा रहा हूँ। यहाँ से लो सैमुअल को पिक किया हूँ, देख सकते हो। पावर फॉरवर्ड में हवाड को पिक किया हूँ, यहाँ भी क्रेडिट थॉर्नटन को मत ही पिक करना, उतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं है। और एलरी को भी ग्रैनियम ट्राई कर सकते हो, खेलेंगे तो ड्रैंग ग्रैनियम ट्राई करना, भाई कोई खास ऑप्शन नहीं है। सेंटर में एक अच्छे प्लेयर हैं आप देख सकते हो, मैं यहाँ से पिक किया हूँ, स्टीवार्ट को पिक किया हूँ, बेहतरीन प्लेयर हैं स्मॉल के लिए। और बाकी हैरिसन को पिक कर सकते हो, इनको पिक कर सकते हो, ये भी खेलेंगे। और नीचे के प्लेयर एज ए सब्जेक्ट खेल सकते हैं, ऐसे नोडो एज ए सब्जेक्ट खेल सकते हैं, कोई कन्फर्म नहीं। और असल भी एज ए सब्जेक्ट खेलेंगे। टीम देख लीजिए, ये सबको ग्रैनलिंग ट्राई करो, नीचे के प्लेयर को ग्रैनलिंग के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ग्रैनलिंग स्मॉल के लिए अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे। टीम देख लीजिए, टीम दिखाता हूँ, मैंने स्टार प्लेयर बनाया हूँ स्टीवार्ट को और प्रो प्लेयर बनाया हूँ अगन बोलो के, आप देख सकते हो। कुछ और चेंज करना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हो स्टार प्लेयर में, आप हवाट को बना सकते हैं स्टार प्लेयर, फिलहाल मैं बनाऊँगा यहाँ से प्रो प्लेयर को बनाऊँगा, अगन बोलो को बनाऊँगा। आप यहाँ से हवाट को बना सकते हो आप प्रो प्लेयर, आप अपनी मैच बनाना चाहे बना सकते हो। तो टीम देख लीजिए, पसंद है लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद डिसलाइक कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक इन क्यूबिनी।